यस स्टूडेंट्स, अपना लेसन 8 कंप्लीट है। ओके, उसमें कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट हो तो वो पूछिए पहले। ओके तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करें, ट्रांसपोर्ट। बच्चे ये चैप्टर भी आपके रिपीट हो रहा है, तो जो बच्चे पहले क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वो भी अच्छी तरह समझ लेना। ओके, क्योंकि आपने इस बुक के अंदर 2-3 लेसन ही बचे हुए हैं, इसलिए मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अपना चैप्टर ये रिपीट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। ओके, ये डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रहता है। ओके, जिसकी वजह से जो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पाते हैं, गुड्स वगैरह को अपन ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ओके, तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है व्हील। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्वेंट हुआ व्हील और किस तरह से उसका फिर यूज किए जाने लगा। ओके, तो हम ये स्टार्टिंग से करेंगे। फिर जैसे इसमें है आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट लेसन है, प्रॉपरली इसको समझना। ओके, आवाज आ रही है आपको? रणवीर, पृथक, मोहित, देखिए ट्रांसपोर्ट, वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, यानी कि यातायात के हम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम जाते हैं बाइक से जाते हैं, फोर व्हीलर से जाते हैं, बस वगैरह से जाते हैं, ओके, ट्रेन से जाते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वी टेक ए बस, कार और ट्रेन। इफ वी हैव टू ट्रेवल, वी ट्रांसपोर्ट। यस, वी टेक ए बस, कार और ट्रेन। इफ वी हैव टू ट्रेवल, अगर हमें कहीं आना जाना है तो हम कार, बस, ट्रेन इनसे आते जाते हैं। वी ट्रांसपोर्ट गुड्स, सप्लाईज, ETC बाय ट्रक्स, लॉरीज और शिप्स। इसके अलावा हमें जो सामान है, ये गुड्स मीन्स क्या हो गया? सामान, अगर वो भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है या सप्लाई करना है वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए भी हम जैसे डिफरेंट जो मीडियम है वो यूज करते हैं, जैसे कि ट्रक्स है, लॉरीज है, शिप्स है, ट्रेन में भी जाता है। ओके, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब आता है इसमें द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, कि जो पहिया है, व्हील मीन्स पहिया, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। डायरेक्ट तो ऐसे हुआ नहीं जैसा कि हमें प्रेजेंट में दिखाई देते हैं। इस तरह से तो हुआ नहीं होगा कि मशीन कोई होगी वहां बन गई हो, बन गया होगा। ओके, तो ये देखिए कैसे होता है, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि काफी एंशियंट टाइम में, काफी लॉन्ग पीरियड हुआ, जो मैन है वो मतलब कोई पहिया वगैरह थे नहीं, मशीन यूज नहीं करते थे। ओके, थी नहीं, तो केवल पैदल ही वो आते जाते थे, कहीं भी मूव करना हो तो बाय फुट ही वो जाते थे। ओके, जहां भी उनको जाना हो। लेकिन जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है तो उनको उसमें काफी टाइम लगता था। ओके, तो उनको ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसी चीज हो, या ऐसा उनके माइंड में आया होगा कि जिससे हम इजीली क्या कर सकें, मूव कर सकें, फास्टली मूव कर सकें। इसके अलावा जो लॉट जो गुड्स वगैरह है उनको भी लाने जाने में उनको काफी प्रॉब्लम आती थी, वो खुद ही उसको हाथ में उठाकर या पीठ पर रखकर ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो काफी हैवी गुड्स है या काफी ज्यादा है, तो उनसे पॉसिबल
इजीली नहीं हो पाता था। देखते हैं बुक में, लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्ली पीपल कुड ट्रेवल ओनली ऑन फुट, काफी समय पहले, जो पीपल है कुड ट्रेवल ओनली ऑन फुट, कि केवल अपने पांव से ही कहीं आ जा सकता था। दे हैड टू कैरी लॉट्स देमसेल्व्स, अगर उसे कोई सामान भी एक जगह दूसरी जगह ले जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसे उसे खुद को ही उसको उठाकर ले जाना पड़ता था। देन दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में फिर उसने एनिमल्स का यूज करना सीखा, और वो एनिमल्स की पीठ के ऊपर सामान रखकर, या पीछे कार्ट वगैरह लगा के, जो कि विदाउट व्हील होती। तो उसकी हेल्प से वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने लगे। प्रियांशी, यू आर लेट। देन दे स्टार्ट यूजिंग एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर गुड्स, फिर वो एनिमल्स जो है खुद तो उससे जाते थे, सामान भी ट्रांसपोर्ट करने लगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में रिवोल्यूशन ला दिया, यानी कि क्रांति ला दी, कि उससे अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो गया, काफी इजी हो गया, उनको काफी उससे हेल्प मिलने लगी। पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग लॉड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स। अब देखिए, पीपल है यानी जो लोग हैं वो मूव करने लगे, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस से जाने लगे, किसकी हेल्प से, कि वो जो एनिमल्स थे उनके पीछे वो कार्ट लगा। देते थे काटने से गाड़ी होती है, जैसे आपने बैलगाड़ी वगैरह देखी होगी, तो पीछे गाड़ी लगी हुई रहती है उसमें, है ना। टांगा भी देखा होगा, उसके पीछे लोरी लगी रहती है, तो उसमें पहिए उन्होंने फिट कर दिया, उसकी वजह से उनको अब गुड्स से ट्रांसपोर्ट करने में या उनको खुद को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मूव करने में काफी उनको हेल्प मिल गई। दीज वर पुल्ड बाय पीपल और एनिमल्स, तो ये जो गाड़ी थी ये मनुष्य द्वारा या एनिमल्स द्वारा खींची जाती थी। कुछ लोग खुद भी उसको चला देते थे या फिर एनिमल्स उनमें लगा लिए जाते थे, उसकी वजह से अब उनको काफी ईजी हो गया। यस, इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब देखिए, स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन, उसका आविष्कार कैसे हुआ? अब वो क्या एक मशीन के जैसे यूज होने लग गया था? तो ये हम देखते हैं कि उसका आविष्कार कैसे हुआ, जिससे कि वर्क को और भी इजी हो गया, क्योंकि एनिमल है या जो ह्यूमन बीइंग है तो ये किसी कार्ट को खींचेंगे या कोई चीज बनाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगता था। अब मनुष्य ने क्या किया, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। द सेकेंड रिवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब जो सेकेंड रिवोल्यूशन, पहले में तो क्या होगी, जो व्हील है उसका इन्वेंशन हो गया, अब सेकेंड रिवोल्यूशन में क्या होगा, स्टीम इंजन का आविष्कार होगा। तो उसे सेकेंड रिवोल्यूशन कहा जाता है। थॉमस न्यू कॉमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन, याद रखना इसमें प्रैक्टिकल स्टीम इंजन लिखा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था, किसने, न्यू कॉमन, थॉमस न्यू कॉमन ने। अबाउट 300 ईयर्स को, लगभग 300 साल पहले की ये बात है। बट इट वॉज ए स्टीम इंजन डिजाइन बाय जेम्स वॉट, लेकिन वो जो स्टीम इंजन था, उसको डिजाइन करने वाले को जेम्स वॉट की स्टीम इंजन इस तरह से होगा, तो ये डिजाइन करने वाले थे जेम्स वॉट, इसीलिए इन्हीं का नाम आता है कि जो स्टीम इंजन थे, उन स्टीम इंजन था उनका इन्वेंशन किसने किया, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन, तो आंसर होगा जेम्स वॉट ने। अगर प्रैक्टिकल इंजन आ गए, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रैक्टिकल स्टीम इंजन, तो हम कह देंगे कि थॉमस न्यू कॉमन। डिजाइन बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड अबाउट 240 ईयर्स अगो दैट मेड द पॉपुलर। तो जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया था 240 ईयर्स, लगभग 240 ईयर्स बिफोर, तो वो काफी पॉपुलर हुआ और वो ही यूज किया जाने लगा, इसलिए हमेशा जेम्स वॉट का ही नाम आता है।
व्हील का इन्वेंशन तो एंशियंट जो अर्ली मैन थे ना, तो उन्होंने अपने आप ही देखा था कि कोई चीज है। ओके, तो वो कोई लुढ़कती हुई आ रही है, तो उसको देखकर उनके माइंड में एक ये आइडिया आया और उन्होंने पहिया बना लिया। ऐसे कोई इन्वेंटर नहीं है उसके। क्लियर बच्चों, कि पहिए का आविष्कार किसने किया, ये ऐसा कोई इन्वेंटर नहीं आता, तो एंशियंट जो पीपल थे, ओके अर्ली मैन जो थे, उन्होंने अपने आप ही वो देखे किस चीज को, देख कर ये आइडिया ले लिया और फिर उन्होंने बना लिया, तो इसमें किसी का नेम नहीं आता। क्लियर है? ओके। फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय ए स्टीम इंजन वाज बिल्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो। अब देखिए, जो फर्स्ट स्टीम इंजन थी, इंजन था जो कि ट्रेन के आगे लगाया जाता था। तो पहली ऐसी जो स्टीम इंजन थी, इंजन था जो कि एक ट्रेन को जिसने पुल किया था, वो लगभग 200 इयर्स बिफोर बना था। एट अबाउट द सेम टाइम शिप्स यूजिंग द स्टीम इंजन वर बेटर, और उसी टाइम पर फिर जो स्टीम इंजन था वो शिप में भी लगाया जाने लगा और शिप भी उसकी हेल्प से चलने लगी। नाउ इट बिकम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स मच फास्टर। अब ये पॉसिबल हो गया स्टीम इंजन की वजह से कि अब जो हैवियर गुड्स थे, काफी जो भारी चीजें थी, वस्तुएं थी, उनको भी अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्प मिल गई और वो काफी फास्टली अब ट्रांसपोर्ट होने लगे या मूव करने लगे। तो इस तरह से जो स्टीम इंजन था, इससे काफी हेल्प मिली, लोग फास्टली मूव करने लगे, गुड्स भी फास्टली अब मूव करने लगे, ट्रेन है, शिप है, ये सब स्टीम इंजन की हेल्प से चलने लगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के यानी कि भाप के इंजन के इन्वेंटर कौन थे? वेरी गुड, जेम्स फोर्ड। ओके, अगर मैं पूछूं प्रैक्टिकल इंजन के इन्वेंटर कौन थे, तो प्रैक्टिकल इंजन के इन्वेंटर थे थॉमस न्यूकॉम। अनीश, आंसर आपका। गुड, वेरी गुड। देखिए, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके बारे। डिस्कस करेंगे। विद टाइम द स्टीम इंजन वाज रिप्लेस्ड बाय मोर इफिशियंट इंजन दैट यूज्ड पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जैसे टाइम बीतता गया तो और भी ज्यादा इन्वेंट होने लगे, नई न्यू चीजें आने लगी। ओके, नई चीजों की डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई। अब देखिए, स्टीम इंजन की जगह अब किसने ले ली, पेट्रोल से चलने वाले इंजन, डीजल से। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, प्रेजेंट में आपने देखा बहुत सारे व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यानी कि बिजली से चलते हैं, बस उनको चार्ज करो और वो चल लेते हैं। ओके, यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो ट्रेन है, ट्रेन में जो इंजन लगा हुआ रहता है वो भी बिजली से चलता है, कार्स है, टू व्हीलर्स है, ओके, रिक्शाज है, तो ये भी बिजली से चलने वाले आ गए। तो जैसे टाइम बीतता गया तो वैसे नई चीजें बनने लगी और न्यू इंजन बनने लगे, तो अब जो स्टीम इंजन था उसको रिप्लेस किसने किया, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले इंजनों में। दीज इंजन्स आर नाउ यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन लैंड। अब ये जो इंजन है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो व्हीकल्स हैं उनको चलाने लगे लैंड पे, सी पे एंड सी पर और एयर पे। ट्रेवल मच फास्टर एंड कैन
कैरी मच मोर लोड देन द अर्लियर व्हीकल्स। अब क्या हुआ कि जो ट्रेवल था वो काफी फास्ट हो गया, बिकॉज इनमें जो है वो पावर ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा जो पेट्रोल से चलने वाली जो चीजें हैं उनमें पावर ज्यादा रहती है, तो पेट्रोल डीजल ओके या इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो व्हीकल्स है या इंजन है उनमें पावर ज्यादा रहती है। तो अब जो ट्रेवलिंग है वो काफी फास्ट हो गई, इसके अलावा हैवी लोड्स है वो भी इजिली अब उनके अंदर लोड्स होने लगे और इजिली ट्रांसफर होने लगे। फर्स्ट टाइम आप इसमें देखेंगे रोडवेज, ओके रोडवेज मीन्स आपने देखा होगा जो रोड रहती है सड़क रहती है तो उससे आने जाने का जो है वो सिस्टम है तो रोडवेज की वजह से होता है। एक होता है आपके रेलवेज, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, वाटरवेज भी होता है एयरवेज भी होता है ओके। तो पहले हम देखते हैं रोडवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। Yes. अब देखिए बच्चों, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। तो आप इसमें एक ही में दे रखा है कि जो रोडवेज है उसी के अंदर देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताइए, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है रोडवेज और रेलवेज को उसमें इंक्लूड किया गया है। ये हमारे कोई पड़ोस में है ओके तो वो पतंग उड़ा रहा है और वो कोई कार पतंग वगैरह ओके तो इधर वाले में है कोई तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं बाहर। यस छोटा बच्चा है वो। अब ये देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज अर्लियर पीपल ट्रेवल अलोंग नैरो पाथ। अब उसकी मम्मी डांट रही है उसको नीचे। अब ये देखिए बच्चों इसमें पीपल ट्रेवल अलोंग नैरो पास फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। अब देखिए पहले के टाइम में क्या था, अर्लियर पीपल थे तो वहां रोड वगैरह उस समय बनी हुई नहीं थी, तो वो क्या करते थे नैरो पास, जैसे आपने गवर्नमेंट में देखा होगा पतली सी ऐसे कच्ची सी जो रोड रहती है तो उसी में से लोग आना जाना शुरू कर देते हैं ओके। तो कच्ची सी एक एक तरीके से रास्ता वो बन जाता है, तो वो यूज करते थे फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। तो लोग उस पर डेली आते जाते थे। अभी भी आपने खेतों तो में या कहीं गांव में देखा होगा पगडंडी बोलते हैं उसको, रोड तो बनी हुई नहीं रहती, लोग उसी में से आते जाते हैं तो एक रास्ता सा बन जाता है, तो वो ही वो यूज कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो एक रास्ता जैसा बन जाता, 5 मिनट रास्ता। आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड एंड कार्स बिकम पॉपुलर। आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर जो कार्ट्स, कार्ट्स मीन्स जो गाड़ी लगी हुई रहती है लोरी टाइप पीछे ओके, वो काफी पॉपुलर हो गई। पीपल फेल्ट द नीड फॉर हैंड एंड स्मूथ रूट्स फॉर द हार्ड एंड स्मूथ। अब देखिए लोगों को ये फील होने लगा, उन्होंने महसूस किया कि अब एक हार्ड और स्मूथ रोड उनको चाहिए जिससे कि जो उनका मूवमेंट है वो इजिली हो सके, फास्ट हो सके, बिना किसी परेशानी के होने लगे। अब उनको ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी। As vehicles become faster, it become necessary to have harder, smooth and better roads. Okay? जिससे कि वो इसके अलावा जो व्हीकल्स बिकम फास्टर हो गए थे, जैसे इंजन स्टीम इंजन का आविष्कार होगा, तो इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल इनकी भी गाड़ियां चलने लगी, तो अब उनको ये लगने लगा कि अब जो पाथ हमारा जो रास्ता है ये जो है वो हार्ड होना चाहिए, यानी कि जो उस पर व्हीकल्स चले तो वो मिट्टी में नहीं दबे ओके। इसके अलावा स्मूथ भी होना चाहिए और अच्छी रोड होनी चाहिए, अब उनको फील होने लगा। टुडे एवरी कंट्री हैज ए नेटवर्क ऑफ पेव्ड रोड्स। आप देखिए पेव्ड मीन्स होता है पक्का रोड, एक तो कच्चा रोड होती है एक पक्का रोड होती है, तो कच्चा रोड तो अपने आप बन जाती है मिट्टी वगैरह, और अब अधिकतर जो मोस्टली जो कंट्रीज है वहां पर एक नेटवर्क है रोड का, और वो क्या है
पैव्ड है, यानी कि पक्की सड़कें बनी है, डामर से बनी हुई है या सीमेंटेड रोड है, इस तरह से कनेक्टिंग सिटीज एंड टाउन्स। तो आपस में वो क्या करते हैं, सिटी और टाउन जो है टाउन्स उनको कनेक्ट करते हैं, एंड विद इन ईच सिटी और टाउन। तो जो भी सिटीज हैं, ओके, टाउन्स हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। सिटी के अंदर भी जो डिफरेंट जो रहते हैं, प्लेस रहते हैं, उनको भी आपस में कनेक्ट करते हैं। इन इंडिया अनपेव्ड, अनपेव्ड मीन्स क्या हो गया, कच्चा रोड, पेव्ड मीन्स पक्का रोड, और अनपेव्ड मीन्स कच्ची सड़क। रोड्स आर नाउ सीन ओनली इन विलेज। तो प्रेजेंट में आप देखा होगा आपने कि मोस्टली जो कच्ची रोड है वो केवल गांव में ही मिलती है, बाकी शहरों में और टाउन्स में सब जगह क्या है, पक्की रोड है। इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज। अब देखिए जो औद्योगिक जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो औद्योगिक, औद्योगिक मीन्स होता है जहाँ मशीन है, फैक्ट्रियां हैं, ओके, इंडस्ट्रीज ये काफी ज्यादा है। तो ऐसी कंट्रियों में क्या है, हाईवे बना हुआ है। तो हाईवे जो रहता है ये क्या करते हैं, जो बिग सिटीज होती है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी भी रोड होती है जो कि वन स्टेट से अदर स्टेट को आपस में कनेक्ट करती है, या कुछ अदर कंट्रीज में भी जाती है, ओके। तो आपस में ये कनेक्ट करती है, तो इनको हम फ्रीवे या एक्सप्रेस वेज भी कहते हैं। तो हाईवेज, फ्रीवेज एंड एक्सप्रेस वेज ये एक ही है, जो कि बड़ी जो सिटीज हैं उनको और स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करती है। जैसा आपने देखा होगा अजमेर रोड है, ओके, तो ये क्या करती है, जो डिस्ट्रिक्ट है उनको तो कनेक्ट करती है, अदर स्टेट्स को भी आपस में कनेक्ट करती है। दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड्स, और ये काफी चौड़ी रहती है, आपने देखा और होगा। अजमेर रोड है वो काफी चौड़ी है। विद टू सेक्शन फॉर व्हीकल्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसमें टू सेक्शन रहते हैं। इधर और इधर जाने वाले, ओके, तो इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो टू पार्ट्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 3 लेन 4 लेन इस तरह से। तो ये जो लेन होती है 3 लेन 4 लेन, तो इसमें क्या रहती है, जैसे बड़े जो व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग बना हुआ रहता है, और छोटी के अलग जो टू व्हीलर्स वगैरह हैं इनके अलग लिए अलग पोर्शन बना हुआ रहता है। तो इस तरह से इनमें भी चेंजेस हो गए हैं। इसके अलावा क्या, ईच साइड है सेवरल लेन्स फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड। उनकी स्पीड भी वहां पर डिपेंड की रहती है, वहां लिखा हुआ रहता है कि इस रोड पे और इस जगह आपको नॉर्मल इस स्पीड में चलना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमको उनका फॉलो, उनको फॉलो भी करना चाहिए, बिकॉज क्या है, अगर हम स्पीड को फॉलो नहीं करते तो उससे एक्सीडेंट होने का डर काफी रहता है। तो स्पीड लिखी हुई रहती है तो हमें बहुत फास्ट मूव नहीं करना चाहिए। दीज हाईवेज डू नॉट हैव शार्प बेंड्स। अब देखिए ये जो हाईवेज होते हैं ये सीधे ही रहते हैं लगभग, इनमें कोई बहुत ज्यादा बेंड नहीं होता। बेंड का मतलब है अचानक ही 90 डिग्री पर ये क्रॉस नहीं होते, ओके, 90 डिग्री पर मूव नहीं करते। मूव होता है लेकिन बिल्कुल ऐसे कर्व शेप में होता है। क्रॉस रोड्स और राउंड अबाउट्स एंड दे बाईपास टाउन्स दे क्रॉस ऑन द वेज व्हीकल्स कैन ट्रेवल। और ये ऐसा क्यों होता है, जिससे कि जो व्हीकल्स हैं इजीली ट्रेवल कर सकें, बार बार उनको परेशानी नहीं आए। इसलिए आपने देखा होगा ये थोड़े आउटसाइड में बनाए जाते हैं, जिससे कि जो व्हीकल है वो फास्टली मूव कर सके। व्हीकल्स कैन ट्रेवल फास्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग। दीज इंक्रीज द स्पीड विद विच पीपल एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी रोड होती है, बीच में कोई ऐसे बैरियर, डिफरेंट टाइप्स के जो बैरियर्स है या क्रॉस रोड है, ओके, या शार्प बेंड्स वो नहीं होते, जिससे कि व्हीकल से वो फास्टली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं विदाउट स्टॉपिंग। दीज इंक्रीजेस द स्पीड विद विच पीपल एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड। इन इंडिया सच ए हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज। अब देखिए जो इंडिया है उसके अंदर भी कुछ जो ऐसे हाईवेज हैं या ऐसे हाईवेज बनाए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट सिटीज के बीच में है, दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। तो ऐसे जो हाईवेज है जो कि इम्पोर्टेंट जो सिटीज है या बिग सिटीज है उनके बीच में बनाए गए हैं, उनको हम कहते हैं नेशनल हाईवे।
दो बड़े शहरों को या कई आपस में जो शहर रहते हैं बड़े, तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है इन रोड की वजह से, तो इनको कहा जाता है नेशनल हाईवे। एक तो हाईवे हो गया जो सिटीज को, ओके, इनको कनेक्ट करते हैं, और जो स्टेट कनेक्ट कर लेते हैं वो नेशनल हाईवे हो जाता है। मैनी ऑफ द प्रेजेंट हाईवेज दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज आर नॉट वेरी इफिशियंट। लेकिन फिर भी अभी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे नेशनल हाईवेज है जो कि बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, वहां पर कुछ तरह की या किसी चीज की कमी है, या वो प्रॉपरली आपस में बड़े सिटीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब देखिए इंडिया के अंदर ऐसी रोड्स भी है कुछ जो कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, तो उनको कनेक्ट करती हैं इंडिया से अदर कंट्री को। जैसे कि यहाँ से नेपाल है तो नेपाल को कनेक्ट करने वाली रोड है, चाइना को कनेक्ट करने वाली, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, तो इनको कनेक्ट करने वाली अपने यहाँ पर रोड्स भी काफी पहले से ही बनाई गई है, तो ये कहलाती है, ये भी नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे कहलाती है, ओके, बट नॉर्मल इनको भी नेशनल हाईवे कहा जाता है। तो ये हो गया अपना रोडवेज का। ओके, अब हम इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के बाद में करेंगे रेलवेज। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रेलवे। इन मोस्ट कंट्रीज ट्रेन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। अब प्रेजेंट में देखिए, अधिकतर जो कंट्रीज है वहां पर ट्रेन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फॉर पीपल एंड गुड्स, किससे काफी लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, काफी जो सामान है, गुड्स है, वो भी ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में भी ये यूज होती है। दे कैन इफिशियंटली मूव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और इसमें एक साथ काफी लोग, जैसे आपने देखा टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स है, बस है। ओके, तो इनमें बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो रेल है, रेलवे के अंदर क्या है, हजारों लोग उसमें बैठ सकते हैं और फास्टली मूव कर सकते हैं, तो इससे पॉसिबल हो जाता है। दे आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर मूविंग बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा जो बल्की गुड्स है, यानी कि जो हैवी गुड्स है, बड़े बड़े जो सामान है, तो ये भी इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किए जा सकते हैं। किसकी वजह से, किसके हेल्प से, रेलवे की वजह से। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन बॉम्बे टू थाने, अंडरलाइन करना इसमें बॉम्बे एंड थाने, तो बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है। ओके, तो इंडिया में जो इसमें ईयर नहीं दे रखा है, जहां आई थिंक 1853 के अंदर था, है ना, इसमें ईयर नहीं दे रखा, पर जहां तो मुझे ध्यान है 1853 के अंदर हुआ। तो इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई से, प्रेजेंट में मुंबई कहते हैं उसको, मुंबई से, वहीं पर एक थाने है, एक जगह का नाम है थाने। ओके, पुलिस थाना नहीं हो, पुलिस थाना भी होगा वहां पर, लेकिन उस जगह का नाम थाने है। ओके, तो ये जो दोनों जगह है उनके बीच में, हाँ लिखा हुआ बच्चों ये तो 1853 में। ओके, लगभग 150 ईयर्स पहले की बात है, तो 1853 के अंदर इन दोनों शहरों के बीच में ये ट्रेन चली थी। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। अंडरलाइन कीजिए, जो इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया में है। हाँ, इसमें लिखा हुआ 1853। ओके, टुडे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ, तो जस्ट इन द वर्ल्ड, एशिया के अंदर तो फर्स्ट नंबर पर है, ओके, और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पर है, ओके, रेलवे सिस्टम। द शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन, हैव पीक स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी और राजधानी ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर्स की स्पीड तक के चल सकती है, काफी ये फास्ट है। रेलवे नेट यूरोप। नेक्स्ट पेज में आइए।
नेटवर्क इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेरी वेल डेवलप्ड। अब देखिए जो यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, वहां का जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क है, वो इंडिया से भी काफी ज्यादा क्या है, डेवलप है, बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे। एंड ट्रेन आर फास्टर देन इंडिया, और वहां की जो ट्रेन है वो इंडिया से भी काफी फास्ट चलने वाली है, जैसे जापान है, फ्रांस है, जर्मनी, ओके, यहाँ पर जो ट्रेन चलती है ट्रेन रनिंग एट ओवर 300 किलोमीटर एन आवर, कि वहां की ये जो कुछ ट्रेन चलती है उनकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है पर आवर के हिसाब से, यानी कि ओनली 1 आवर के अंदर वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, यानी कि जयपुर से दिल्ली तक वो ओनली 1 आवर में ही पहुंच सकती है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। तो वहां का नेटवर्क काफी फास्ट है, टेक्नोलॉजी है, ओके, तो वहाँ ये चीज है। ट्रेनिंग रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू द चैनल टनल, द टनल इज 40 मीटर बिलो द सी अंडर द वाटर्स ऑफ द इंग्लिश चैनल। देखिए कितनी मोस्ट है ये चीज। अब देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक चैनल बना हुआ है जो कि समुद्र के अंदर है, ओके, वो क्या है, समुद्र के अंदर है और 40 मीटर बिलो है ये, 40 अंडर द वाटर, और ये इंग्लिश चैनल कहलाता है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ता है, तो ये समुद्र के अंदर ये रेल मार्ग बना हुआ है इंग्लिश चैनल। तो क्वेश्चन भी आता है इंग्लिश चैनल का, तो ये पैराग्राफ हमें उसमें करना होगा। डिस्क्राइब इंग्लिश चैनल ऐसा जाएगा तो हम लिखेंगे ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू द चैनल टनल, द टनल इज 40 मीटर बिलो द सी बेड्स अंडर द वाटर ऑफ द चैनल, तो हमें ये करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग देवांश यादव, इतनी जल्दी क्यों आ गए आज आप, अभी तो 6-7 मिनट्स बाकी है। देवांश आज इतनी जल्दी क्यों आ गए, देवांश यादव कहाँ थे, व्हाई आर यू लेट। नेटवर्क प्रॉब्लम, देखिए अब तो टाइम ओवर हो रहा है, पेज नंबर 62 निकालिए, बिकॉज अपना इसके अंदर व्हील, ओके, स्टीम इंजन हो गया, रोडवे हो गया, रेलवे हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब तो लास्ट टॉपिक चल रहे हैं इसमें, वाटरवेज में आइए, पेज नंबर 62, वाटरवेज। द अर्ली पीपल मेड राफ्ट्स टू कैरी गुड्स, राफ्ट मीन जानते हैं वो बोट जैसी शेप रहती है, उसके ऊपर कपड़ा सा ऐसे लगा हुआ रहता है, उसे हम राफ्ट बोलते हैं, नहीं उसे हम राफ्ट नहीं बोलते, वो लकड़ी से ऐसे बना दिया जाता है, काफी लकड़ियों का आपस में जोड़ दिया जाता है, तो वो यूज करते थे, तो उसे राफ्ट कहा जाता है, जैसे अपने सीढ़ियां रहती है लकड़ी की बनी हुई, इसी तरह से वो रहता है, ओके, डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड जो भी आता है उसके अंदर वो राफ्ट बनाता है मोस्टली, कि लकड़ियों को आपस में जोड़ देते हैं, ओके, तो वो यूज होता था गुड्स वगैरह को या जो भी पहले उसी से आते जाते थे। दे वर सून रिप्लेस्ड, दे वर सून रिप्लेस्ड विद बोट्स, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ टाइम और राफ्ट की जगह बोट्स बनने लगी, यानी कि जो नाव सिंपल सी नाव रहती है वो बनने लगी। देन कम टू द सेल बोट्स, उसके बाद में सेल बोट जो ऊपर आपके दे रखी है, बोट रहती है उसके ऊपर कपड़ा सा लगवा रहे तो वो, क्योंकि जो विंड्स होती है उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है तो उसमें चेंज किया जा सकता है उस कपड़े की वजह से, ओके, तो एक पर्दा जैसा बहुत बड़ा सा लगा हुआ रहता है तो उससे उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो सकती है, तो वो यूज होने लगी। देन कम द सेलबोट्स विच यूज द पावर ऑफ विंड टू मूव, अब देखिए सेलबोट थे विच यूज टू पावर ऑफ द विंड टू मूव,
तो सेलबोट में क्या होने लगा, जो विंड की पावर है उसकी वजह से अब मूव करने में आसानी होने लगी, फास्ट या स्लो कर सकते हो। व्हेन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन वाटर ट्रांसपोर्ट आल्सो अंडरवेंट ए रिवोल्यूशन। लेकिन जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो जो वाटरवेज था उसमें भी काफी रिवोल्यूशन आ गई। ओके, अबाउट 200 ईयर्स अगो शिप्स ड्राइवन बाय स्टीम इंजन स्टार्टेड रिप्लेसिंग सेलबोट्स। लगभग 200 साल पहले, 200 ईयर्स बिफोर, जब ये 240 ईयर्स बिफोर तो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। फिर उसके बाद में वो जो है सेलबोट में भी यूज होने लगा, तो सेलबोट में अब यूज होने लगा तो अब स्टीम इंजन उसकी जगह आ गया। तो सेलबोट का जो है स्थान किसने ले लिया, स्टीम इंजन ने ले लिया। शिप्स बिकम लार्जर एंड फास्टर। अब जब इंजन मिल गया तो इंजन में पावर भी मिलने लगे, और उस पावर की वजह से अब जो शिप वगैरह है, जो बोट थी, अब शिप हो गई यानी बड़ी हो गई। ओके, और अब उसमें हैवी लोड्स एंड पीपल वो है वो मूव करने लगे, यानी कि अब उससे काफी हेल्प मिल गई और वो काफी फास्ट भी हो गई। टुडे मोस्ट शिप्स आर ड्राइवन बाय डीजल इंजन। अधिकतर प्रेजेंट के अंदर जो है स्टीम इंजन तो यूज होता नहीं, तो प्रेजेंट में अधिकतर जो ये शिप वगैरह है वो डीजल इंजन से ही चलती है। मोस्ट बल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स। अब देखिए, बहुत जो भारी सामान होते हैं उनको बल्की गुड्स कहा जाता है। सच एज फूड ग्रेन्स है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम है। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होते हैं किसकी वजह से, किसके हेल्प से, शिप की वजह से। ओके, अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप्स। थ्रो शिप्स आर नॉट वेरी फास्ट। अब देखिए, जो शिप है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, जिस तरह से अपने ट्रेन होती है या एरोप्लेन होती है उतनी फास्ट ये नहीं होती। ओके, लेकिन ए सिंगल शिप कैन कैरी ए मच कार्गो एज थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स और एयरक्राफ्ट। लेकिन शिप जो रहती है वो स्लो तो चलती है, लेकिन उसमें काफी जो है सामान ले जाया जा सकता है, थाउजेंड्स ट्रक्स एयरक्राफ्ट ये भी उसमें मूव कर सकते हैं। या उनसे भी ज्यादा इसमें सामान ले जाया जा सकता है। मोस्ट शिप्स दैट कैरी गुड्स आर डिजाइन टू कैरी ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स। अब देखिए, प्रेजेंट में कुछ ऐसी शिप्स भी है जो डिजाइन की जाती है कि केवल उसमें पार्टिकुलर वो ही चीज जा सकती है। जैसे आपने कुछ ट्रक देखे होंगे तो आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा कि उसमें पेट्रोल आता है। ओके, तो उसमें केवल पेट्रोल या डीजल ही आता है। इसी तरह कुछ आपने देखा होगा दूध के जो मिलके जो ट्रक वगैरह रहते हैं उसमें दूध भरा हुआ रहता है। ओके, तो इस तरह से शिप भी रहती है जिसमें कि केवल पार्टिकुलर जो चीज रहती है वो ही ट्रांसपोर्ट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स है तो उसमें फूड ग्रेन्स ही जाएगा। ओके, या पेट्रोलियम के है तो उसमें पेट्रोल ही जाता है। तो इस तरह से शिप्स को डिजाइन किया जाता है जिसमें कि जो पार्टिकुलर थिंग्स है वो ही ट्रांसपोर्ट हो सके। ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज आल्सो मच चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, जो शिप से जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये काफी चीपेस्ट होता है, चीप होता है, क्योंकि इसमें जो रोड्स वगैरह बनाने की जो है प्रॉब्लम वो नहीं होती। ओके, तो इसलिए जो वाटरवेज है ये सबसे ज्यादा क्या रहता है, चीप रहता है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ मीडियम है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, वो है वाटरवेज। ओके, नेक्स्ट है अपने इसमें स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल और आफ्टर दिस एयरवेज, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये आज का समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले वो पूछना। ओके, और इनको सबको आप लर्न करते जाइए, चैप्टर आपको रीड करना है। क्लियर है बच्चों?